महाभारत मेरा पेट सब्जेक्ट था, है और रहेगा। जितनी महाभारत मैंने पढ़ी है शायद ही पूरे महाभारत के कास्ट एंड क्रू ने पढ़ी होगी। बचपन में मैंने गीता प्रेस गोरखपुर के दो संक्षिप्त महाभारत के एक दो खंड आते थे जिसको मैंने बचपन में खेलते खेलते पूरा पढ़ गया था, पूरा चाट गया था, क्योंकि उसके अंदर वॉर की इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन विद फोटोग्राफ्स था, जैसे चंदा मामा में फोटो आती थी, तो उसको मैं वॉर के हिसाब से पढ़ता गया और मैंने पूरी महाभारत पढ़ डाली सिर्फ गीता को छोड़कर। गीता मुझे समझ में नहीं आई। महाभारत में मैं अर्जुन या कर्ण का रोल करना चाहता था और मैं समझता हूं कि मैंने आज तक किसी प्रोड्यूसर किसी डायरेक्टर को, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, सुभाष गई जी को भी नहीं कहा मैंने आज तक, न कि डड्डू सिप्पी को कहा, न अनिल शर्मा को कहा मैंने कि आई वुड लव टू वर्क विद यू, मैंने आज तक हाथ नहीं फैलाया। लेकिन ये महाभारत एक ऐसा सब्जेक्ट था, जब मुझे ऑफर हुआ, जब मुझे रोल मेरे लायक नहीं मिल रहा था, तो मैंने जाके चोपड़ा साहब से वो बात कही जो शायद मैंने किसी से नहीं कही। मैंने कहा, पापा जी आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ महाभारत। ही सेड, नहीं मुकेश, आई लाइक्ड योर ऑडिशन सो मच, आई वुड लाइक टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट रोल्स इन महाभारत। एनीवे, मुझे अर्जुन बनना था या तो कर्ण बनना था, मेरी फर्स्ट चॉइस थी। मुझे दुर्योधन का रोल ऑफर हुआ जो मैंने मना कर दिया। बाद में जाकर मुझे द्रोणाचार्य का रोल ऑफर हुआ जो मैंने हाँ कर दिया। मेरे भाई साहब भी हैरान हो गए कि तुमने दुर्योधन को रोल छोड़ दिया जो वन मैन अगेंस्ट 5 पांडव था, वन मैन अगेंस्ट कृष्ण था, और तुम एक गुरु का रोल एक्सेप्ट कर रहे हो। मैंने कहा, उस वक्त मैं 15 फिल्मों का हीरो था, ये आपको मैं बता दूं, आई वॉज नॉट अ स्ट्रगलर दैट टाइम। तो मैंने कहा, नहीं भाई साहब, महाभारत का हर रोल जो है योद्धा का रोल है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू डिपिक्ट इट। मुझे पता है कि मैं कर लूंगा। खैर, मेरी किस्मत में शायद आयुष्मान भव कहना लिखा होगा, कुछ ऐसी बातें घटी कि मैं अल्टीमेटली भीष्म पितामह बन गया। मुझे याद है कि मैं एक बार बेंगलोर में होटल की लिफ्ट में था, विनोद खन्ना जी मेरे साथ थे, उनके मुंह से निकला, मुकेश यू गॉट द क्रीम ऑफ महाभारत। मैंने कहा, विनोद जी बहुत ही बढ़िया रोल लिखा हुआ है, पूरा महाभारत डॉक्टर राही साहब, भाई मासूम रजा साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने, मैं समझता हूँ, भीष्म पितामह के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी महाभारत लिखी थी। भीष्म प्रतिज्ञा से महाभारत शुरू होती है और बाणों की शैया पर खत्म होती है। 5 जनरेशन तक पितामह भीष्म विटनेस करते हैं, शांतनु अपने पिता से लेकर अभिमन्यु तक वो पूरे दर्शित करते रहे। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि महाभारत के दो पिलर तो बन गए थे भीष्म पितामह, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से कहूं, एज एन एक्टर कहूं, तो दो सीक्वेंसेस महाभारत के ऐसे थे जिसने मुझे मुकेश खन्ना से भीष्म पितामह बना दिया। लाखों करोड़ों लोगों ने, यहां तक किसी ने मुझे कहा था, सर आपको तो भारत रत्न दे देना चाहिए। मैंने कहा, क्यों भाई? बोला, आपने हमारे देश की परंपरा बढ़ाई, इतना मान सम्मान मिला है कि मैं 7वें आसमान पर रहूं पर मैं जमीन पर रहता हूं, क्योंकि ये मेरी तारीफ नहीं, डॉक्टर राई साहब की तारीफ है जिन्होंने ब्यूटीफुल डायलॉग्स लिखे, चोपड़ा साहब की तारीफ है, और परफॉर्मेंस सबने अच्छे अच्छे किए थे। लेकिन मैं आपको बात बता दूं जो कहने जा रहा था, कि एक मानव की शैया एक तरफ और भीष्म प्रतिज्ञा एक तरफ। भीष्म प्रतिज्ञा लेकर देवव्रत भीष्म बन जाता है और जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है, जिसे कोई भी नहीं मार सकता। अर्जुन को भी पता है, कृष्ण को भी पता है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होता है, पहले सेनापति पांडवों के पितामह बनते हैं, पहले सेनापति कौरवों के भीष्म पितामह बनते हैं। 18 दिन युद्ध चला, 10वें दिन भीष्म पितामह गिरे, बाणों की शैया पर गिरे। वो इतना असंभव सा काम था कि कृष्ण को अर्जुन और पांडवों को समझाना पड़ा। वो कहते हैं, हम कैसे युद्ध जीत सकते हैं जब तक पितामह है, उनको तो कोई मार नहीं सकता। तो कृष्ण ने कहा था कि जाके तुम पितामह से ही पूछो कि उनको कैसे मार सकते हैं। सो वो एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस था। मैं बात कर रहा हूँ बाणों की शैया की। मैंने पिछले अपनी वीडियो में आपको मैंने भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में काफ़ी डिटेल बताया था। आज मैं आपको बाणों की शैया के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग जानकारी जो मेरे यादों से जुड़ी हुई है, मेरी मेमोरी में है। उसमें सबसे बड़ी बात एक जो मैं बता दूँ कि बाणों की वो शैया जिस पर मैं समझता हूँ
इवन आफ्टर जब मैं गिरता हूँ उसके बाद कई एपिसोड्स तक एंड तक, क्योंकि भीष्म पितामह के एंड पर महाभारत खत्म होती है जब प्राण त्यागते हैं, मैं उस शैया पर लेटा था और वो शैया इतनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, कभी कभी मैं उस पर तीन तीन घंटे बैठ के लेटा करता था। तो मैंने चोपड़ा साहब से जाकर कहा, पापा जी आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, पापा जी ये बाणों की शैया जो है सर वो आपको तो कुछ काम नहीं आएगी, वो मैं ले सकता हूँ, मेरे लिए तो वो नॉस्टैल्जिक मेमोरी। बोला हाँ ले ले तेरी तो है। और वो बाणों की शैया मैंने वहाँ से उठवा ली। 27 सालों तक मैंने उस बाणों की शैया को संभाल कर रखा, पहले फैक्ट्री में और आप अपनी ऑफिस में मैं इसे संभाल कर रख के बैठा हूँ। ये वही बाणों की शैया है, ओरिजिनल बाणों की शैया, जिस पर मैं शूटिंग के दौरान लेटा करता था। और वो सारे सीक्वेंसेस जब मैं गिरा और उसके बाद सब मुझे मिलने आते थे, हर नाइट के सीक्वेंसेस, वो सब इस बाणों के शैया पर लेट के हुआ। सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात मुझे आपको बता दूं कि इस पर जब मैं लेटता था कभी कभी, क्योंकि इसमें उठने का मतलब होता है सारे बाण निकालो अपने, तीन आदमी आपको ऐसे उठाते थे एंड यू स्टैंड देयर, एंड तो मैं जब भी अगर इमरजेंसी जब तक नहीं हो तब तक मैं नहीं उठता था। कभी कभी मैं तीन तीन घंटे लेटा रहता था और ऊपर तारे देखता रहता था, रात के टाइम पे तारे, कभी कभी मुझे कोई पक्षी दिख जाता था पता नहीं अचानक। और मैं जो रवि चोपड़ा ने मुझे कमेंट किया था, मुकेश हाउ कैन यू लाई डाउन, और ये बेड भी ऐसा है, मेरी बॉडी के साइज का बेड है, इसका कोई सिरहाना नहीं। आपको याद होगा सीक्वेंस में जब वो पितामह कहते हैं कि मेरे सिर को सहारा दो, तो सब भाग भाग के आते हैं। दुर्योधन फटाफट सिल्क वाले अच्छे अच्छे तकिए लेकर आता है, तो बोलता है ये सब नहीं चाहिए, हटाओ इसको सब, तो हटाओ, अर्जुन को बुलाओ, उसको पता है मुझे क्या चाहिए। और अर्जुन आता है और वो कहता है कि मुझे मेरे सर को सहारा दो पुत्र। और अर्जुन जो सबसे बड़ा धनुर्धर था, उसे पता था कि क्या चाहते हैं, और अपने तीर से वो दो तीर मारता है जमीन पे उनके सिर के पीछे, और दो तीर ऐसे लग जाते हैं ऐसे करके, और मेरा सिर मतलब पितामह का सिर उस पर रेस्ट करता है। ये तीर यहाँ पीछे भी लगे पड़े हैं जिसके ऊपर मैं लेटा करता था। नॉट अ कम्फर्टेबल बेड, आई मस्ट से दैट, कोई आनंददायक आरामदायक बेड नहीं था ये। आप भी अगर सो के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या था उसमें। और ये मेरी गर्दन में मेरे बहुत टाइम शूट करके मेरे यहाँ पर निशान भी पड़ गया था, जो भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो गया, क्योंकि मैं समझता हूँ 10-15 एपिसोड या 20 एपिसोड तक ये चला। मैं इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर आप कैसे लेटा करते थे, कैसे आप बाणों की शैया पर लेटते थे, क्योंकि उसमें ये दृश्य में ये आता है कि तीर यहाँ से गया और नीचे से निकल गया, हर तीर यहाँ से गया नीचे से निकल गया, तो मुझे बताना पड़ता था। मैंने कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग वे से हम लोगों ने, उस वक्त स्पेशल इफेक्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे, ये हम लोगों ने पूरा मैकेनिकल बनाया है, सोच के बनाया है, आर्ट डायरेक्टर ने सोच के बनाया है, रवि चोपड़ा जी ने सोच के बनाया है, सब ने मिलकर सोच के बनाया। हमने क्या किया था कि ये जो बाण लगते थे भीष्म पितामह, वो बाण के लगने के लिए मैं अपनी ड्रेस के नीचे लोहे के बने हुए ऐसे ऐसे फ्रेम पहनता था, यहाँ पर एक जिसमें 8-10 तीर के वो ग्रूव्स निकले रहते थे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और मेरी छाती के ऊपर, मेरे हाथों पे, मेरे यहाँ पर वो लोहे के बने एक लगा के रखते थे जिसके ऊपर ग्रूव्स निकले रहते थे। और वो ग्रूव्स मेरे जब तीर का जो हिस्सा होता था, आधा तीर का हिस्सा इसके ऊपर स्क्रू कर दिया जाता था, उसी का आगे का हिस्सा जो लाल रंग का होता था, जैसे आप देख रहे हैं सब लाल रंग के तीर हैं, वो मेरे पीछे ग्रूव कर दिया जाता था। जब मुझे तीर लगते थे तो उस वक्त तो तीर हमको, वो भी मैं बताऊंगा, पूरा दिन लगा था उस सीक्वेंस को शूट करने, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाणों की शैया पर मैं कैसे लेटता था। तो जब ये सारे तीर लगा दिए जाते थे मेरे को, उसके बाद में मैं जाके बाणों की शैया जो बनी पड़ी थी मेरी बॉडी के साइज की ड्रेस की, उसके नीचे ऑलरेडी आधे बाणों के हिस्से ऑलरेडी उसमें लगे पड़े रहते थे, जिसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, जो जगह बनी पड़ी थी, तो वो जब ज़मीन पे गाड़ता था तो जब मैं अपने बाणों को लगाकर उस पर लेटता था तो ऐसे लगता था कि तीर ऊपर से आया और नीचे से निकल गया, इतना ब्यूटीफुल ये बना पड़ा था। ये वही बाणों की शैया है जिस पर मैं लेटा करता था, और यही बाणों को मैंने कांच के अंदर पूरा लगा कर उसको फोटोग्राफ्स के साथ मैंने पूरा डिस्क्राइब किया कि किस तरह पितामह को तीर लगे अर्जुन के, और किस तरह से वो धीरे धीरे गिरे और कैसे लोग उन्हें मिलने आते थे।
तो ये तो था कि बाणों की शैया पर कैसे मैं लेट पाऊं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सबसे डिफिकल्ट चीज थी, ये तो आरामदायक चीज थी कि रोज शूटिंग में मुझे 1.5 घंटा लगता था, 1.5 से 3 घंटे लगता था तैयार होने में, और वो सीक्वेंस मेरा हमेशा रात को होता था 11 बजे के बाद। ये शूटिंग हमेशा रात की सीक्वेंस थी, तो 11 बजे के बाद शूटिंग शुरू होती थी, 3 बजे तक 4 बजे तक शूटिंग होती थी। मैं आपको ये बता दूं कि जब ये सीक्वेंस शुरुआत जब हुई थी, सबसे डिफिकल्ट शूटिंग थी मैं समझता हूँ महाभारत, और भी कई सीक्वेंसेस होंगे लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि ये बताना था कि अर्जुन तीर मारता है और भीष्म पितामह के इर्द गिर्द हो जाता है। एक तीर से शुरुआत होती है और कम से कम असंख्य तीर, हो सकता है 100-150, मुझे पता नहीं, हमने इसको क्रिएट किया। और वो सीक्वेंस शूट करने में फिर से वो स्पेशल इफेक्ट्स नहीं था, मैकेनिकल करना पड़ता था। फाइट मास्टर ने सोचा, दिमाग लगाया, और वो जब मैं लड़ाई करता था तो जैसे कि मैंने कहा कि कृष्ण ने कहा था कि पूछ कर आओ पितामह को कि आप कैसे मरोगे, तो पितामह इशारों इशारों में बताते हैं कि अगर नारी मेरे सामने आ जाए, अगर कोई नारी मेरे सामने आ जाए तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इस क्यू पर श्री कृष्ण ने कोई समझा नहीं, सबने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कौन नारी आ सकती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो फिर कृष्ण या कोई सजेस्ट करता है कि जो वो शिखंडी है, जो धृष्टद्युम्न का भाई था, वो पिछले जन्म में औरत, वो वही अंबा थी जिसको पितामह काशी नरेश के दरबार से उठा कर लाए थे, अंबा अंबिके और अंबालिके। उस अम्मा ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भीष्म से बदला लूंगी, और वो जन्म लेकर, बहुत बड़ी कहानी है उसकी, उसके उसके रिवेंज की, और वो साफ कहती है कि घायल शेरनी और घायल नारी पे कभी भी उसके साथ में कभी भी दुश्मनी मत लेना। और वो जाके शिवजी के बाद बोलने से कि अगर तुम अगले जन्म में तुम बनकर आओगी, शिखंडी बनकर आओगी, तो वो बोलते मैं अभी जाती हूँ, वो कूद जाती है, वो शिखंडी पैदा होती है, शिखंडी आता है, अर्जुन अपने रथ के ऊपर शिखंडी को लेकर आता है। एज प्लान, भीष्म को भी मालूम था कि मैंने तो बता दिया इनको कैसे मुझे आज गिराएंगे। 10वां दिन था वो जैसे ही अपना धनुष निकालते हैं, सामने देखते हैं कि अर्जुन के साथ में शिखंडी भी है, तो वो अपना तीर जो है धनुष ऐसे करके फेंक देते हैं, अर्जुन उसी वक्त थ्रांग करके तीर मारता है और पहला तीर गिरता है अंदर शरीर में भीष्म के, और वो झटका खा के पहला शरीर गिरते हैं। उसके बाद में अर्जुन दूसरा मारता है, उसके बाद में वो आयुष्मान भाव कहते हैं कि तेरे तीर मुझे कितना आनंद दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीर लगते कैसे थे। मेरे यहां पर, मैंने जैसे कि कहा था कि ग्रूव्स अंदर पहने हुए होते थे, मेरे यहां पर धागा मान दिया जाता था, उस धागे को, धागे से लेकर दूर जाकर कैमरे के उस तरफ से तीर को लगाया जाता था, और तीर को लगाने के बाद जैसे ही एक्शन बोलते थे, जो जो फाइट मास्टर के लोग होते थे वो तीर को ऐसा कर देते थे, तो वो तीर करके यहाँ आता था और मैं पकड़ लेता था उसको, यहाँ कट होता था, उसके बाद में उस तीर को मेरे यहाँ पर लगा दिया जाता था, फिर पीछे का तीर, निकला हुआ तीर वो लगा दिया जाता था, फिर दूसरा तीर वही सेल से मारा जाता था, अर्जुन तीर चलाता था, ये तीर आता था, फिर लगता था। इस तरह एक एक करके तीर लगे, और सुबह 10:30 बजे शूटिंग शुरू हुई थी, 5 बजे तक सिर्फ यही सीक्वेंस चलता रहा कि कैसे पूरे शरीर को अर्जुन के तीरों ने बींध दिया, बांध दिया, बींध दिया, और वो सीक्वेंस में करते करते फिर एंड में जैसे जैसे वो पढ़ते हैं, भीष्म पितामह तलवार निकालते हैं, ढाल निकालते हैं, अर्जुन ढाल को मार देता है, फिर एक जोर से तीर मारता है, वो मारता भी तीर बड़े दुख से है, पितामह पितामह करके मारता है, और पितामह नीचे गिरते हैं। जब वो नीचे गिरती है फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर चलने शुरू करते हैं शेर की तरह, और अर्जुन जो है फिर और तीर मारता है, उसके पैरों पर लगता है, फिर भी वो चलते हैं, फिर एंड में एक तीर अर्जुन का लगता है, जिसमें मेरे को एज एन एक्टर सारे तीरों के साथ, आगे भी तीर, पीछे भी तीर, और कम से कम कुछ नहीं तो 25-50 तीर थे, 25 तीरों के साथ में मुझे धीरे धीरे गिरना था ऐसे। और वो गिरने के शॉट पे एक जो डर की बात ये थी कि अगर मैं सीधा गिरा तो मुझे चोट लग सकती, तो बड़े बड़े ध्यान के साथ में मुझे कहा गया था कि जब आप फ्रेम के बाहर जाओ तो ऐसे हो जाओ, और मैंने वही किया, मैंने वो गिरा, ऐसे गिरा और फिर जाके टेढ़ा हो गया और नीचे गिरा। उसके बाद बाणों की शैया सजा दी गई, उस पर मैं आ जाता था। दिस वॉज द मोस्ट मेमोरेबल सीक्वेंस ऑफ द होल महाभारत, और इसीलिए मैंने इस मेमोरेबल बाणों की शैया को मांग लिया पितामह अपने पापा जी बी आर चोपड़ा जी से, और चोपड़ा जी ने कहा हाँ मुकेश ले जा, ये तेरी है,
तू संभाल इसे। और मैं तब से इसे, आज मैं समझता हूँ महाभारत को 30 साल हो गए और मैंने फैक्ट्री में रखा था, मैं यहाँ पर अपनी ऑफिस में लेकर आया हूँ और बाकायदा उसे मैंने एक म्यूजियम पीस की तरह बना के रखा है ताकि कोई भी यहाँ जितने भी मुझे मिलने आते लोग इसको देखते रहते हैं। ये वही बाणों की शैया है जिसकी कहानी मैं आपको कहा था कि मैं आपको सुनाऊंगा। इस बाणों की शैया के साथ जुड़ी एक, मेरे ख्याल से एक नहीं दो घटनाएं मैं आपको सुनाता हूँ जो इंटरेस्टिंग घटनाएं बन गई थी। जैसे कि मैंने कहा कि 10वें दिन भीष्म पितामह गिरे, लेकिन 58 दिन तक पितामह भीष्म इस बाणों के शैया पर लेते रहे। जब शूटिंग चली थी तो लोगों ने कहा था, लोगों को लगा था कि भीष्म पितामह अभी गए, मुकेश खन्ना अभी गए, लेकिन डॉक्टर राय साहब ने मेरे हर एपिसोड के बाद, एक एपिसोड के बाद सीन लिखते थे जहां कभी अर्जुन मिलने आ रहा है, कभी कर्ण मिलने आ रहा है, कभी द्रौपदी मिलने आ रही है, कभी शांतनु ऊपर से नीचे आके उनसे मिलने आता है और फिर बाद में द्रोणाचार्य आते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस चलता रहा। तो मुझे एक बार अर्जुन ने सुनाया मेरे भाई की एक घटना, हमारी शूटिंग होती थी इधर जो गोरेगांव में जो फिल्म सिटी के पास में एक रॉयल पाम का एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, वहाँ पर हमारी वॉर सीन हुआ करती थी। तो वहाँ पर ये रात को शैया बिछा दी जाती थी और शूटिंग करता था, तो बाहर दूर तंबू लगाते थे जहाँ पर मेकअप वेकअप करके आर्टिस्ट आते थे। तो रात का लेट का टाइम होगा, अर्जुन शॉट दे के आया होगा, उस वक्त प्रवीण कुमार हमारे भीम वहाँ पर पहुँचे और वो जैसे ही पहुंचे तो उसने अर्जुन को कहा, अरे क्या क्या शूटिंग कर रहा है? बोला, यार वो पितामह बाणों की शैया पर है, वो उसके साथ सीन करके आया हूँ। तो प्रवीण कुमार वो ठेठ पंजाबी बात करते थे, बोला, माया ये चिट्टा कुकर मरदा नहीं, ना चिट्टा कुकर मरदा नहीं, अगर आपको पंजाबी नहीं आती तो मैं समझाऊं, चिट्टा मतलब सफेद, कुकर मतलब मुर्गा, ये सफेद मुर्गा मरता नहीं है क्या? तो एक बहुत हिलेरियस वे से उस आदमी ने कहा, मुझे भी उसने अर्जुन ने बताया कि कह रहे थे कि चिट्टा कुकर मारा, माया माया मरदा नहीं। एक और सीक्वेंस इसके बारे में राजू श्रीवास्तव ने बनाया था, उसने इसके ऊपर एक आइटम बनाया था कि पितामह भीष्म जब बाणों की शैया पर गिर जाते हैं उसके बाद में जब एपिसोड्स आते हैं तो हर एपिसोड में लोग बैठ के देखते रहते हैं कि इस बार शायद भीष्म पितामह मर जाए। तो पता लगा एक हफ्ता बीत गया अभी भी नहीं मरे, दूसरा सप्ताह फिर भी नहीं मरे, तीसरा बीत गया, चार, तो लोगों में शर्त लगती थी कि आता मरणार, आता मरणार, जब बोलते थे अच्छा पुत्र तो लोग बोलते थे आता मरणार, आता अभी मरेंगे और नहीं मरता था। तो पत्रकारों की टोली, जर्नलिस्ट की टोली एक बार फिल्म सिटी पहुंच गई और वहां पर जाके शूटिंग में पहुंची और पितामह भीष्म वहां पर लेटे हुए थे, तो पूरी की पूरी टोली वहां पहुंची और उन्होंने खड़े होके उनको कहा कि पितामह आप कब सिधार रहे हैं? तो पितामह भीष्म ने, मुकेश खन्ना ने कहा कि मेरे सिरहाने आओ पुत्र, मेरे सिरहाने आओ। तो वो लोग चल के उसके, मुकेश के सिरहाने पर आते हैं तो मुकेश ने कहा, वो क्या है, चोपड़ा साहब ने अभी तक पेमेंट नहीं दी है, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूं। ये सीक्वेंस हमको याद है कि महाभारत की पूरी यूनिट और चोपड़ा साहब के सामने बंबई में एक फंक्शन में हमारे को राजू श्रीवास्तव ने सुनाई थी। सो ये कहानी है जो मैं समझता हूं कोई एक्टर के साथ में ऐसी डेथ नहीं होगी सीक्वेंस जो भीष्म पितामह के साथ हुई, या मुझे एज एन एक्टर, बड़े बड़े एक्टरों ने, मैं कभी कभी ओपनली दावे से कहता हूँ, इस तरह का डेथ सीक्वेंस बताइए और कौन से एक्टर को मिला है। अमित जी ने बहुत सारे डेथ सीक्वेंस किए, दिलीप साहब ने बहुत सारे डेथ सीक्वेंस किए, राजेश खन्ना ने डेथ सीक्वेंस किए, लेकिन ये डेथ सीक्वेंस जिसमें मरने वाला इतने तीर खाकर गिरता है और बाणों की शैया पर गिर जाता है, फिर भी उसके प्राण उसके पास हैं और 58 दिन तक वो उसको होल्ड करता है, उसके बाद वो अपने प्राण सिधारता है, ऐसा डेथ सीक्वेंस मैं समझता हूँ हिस्ट्री में कभी किसी एक्टर को नहीं मिला होगा। ये मेरा सौभाग्य है जो मैंने पितामह भीष्म का रोल किया।